हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे DRDO CEPTAM 09। जी हाँ दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के कटऑफ के बारे में। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए दोस्तों। तो इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं रिपोर्ट, और जो रिपोर्ट हमारे सामने मिलकर आई है उसका आपको जो है पूरा बताने वाले हैं कि कितनी कटऑफ जो जा रही है फाइनल, कि कितनी कटऑफ तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जो है सिलेक्शन लगभग पक्का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है या किसी भी रिजल्ट या किसी भी एडमिट कार्ड या फिर कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है सरकारी फॉर्म का, तो हम उसका नोटिफिकेशन का जो वीडियो है वो आपके लिए लेकर आते हैं स्मार्ट नौकरी चैनल पे। यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्टडी मटेरियल, सिलेक्शन प्रोसेस और कैसे आपको जो है एग्ज़ाम को क्रैक करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलेंगे अच्छे प्रोफेसर्स जो आपको वेल एजुकेटेड, जो आपको ट्रिक्स बताएंगे कैसे आपको जो है कम समय में जो है स्टडी कर सकते हैं और कैसे आपको जो है एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नल से। जी हाँ दोस्तों, UR की कटऑफ कितनी जा सकती है, तो दोस्तों इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, जी हाँ दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का, तो यहाँ पर जो है काफ़ी लोग ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जस्ट बिकॉज मैं आपको ये बता दूँ कि जो टेक्नीशियन की भर्ती आई थी 351 वाली, उसके बाद से DRDO क्रेज़ काफ़ी लोगों के बीच में देखा जा रहा था, और कितने कम समय के बीच में जब दोनों दूसरी वैकेंसी आ गई तो काफ़ी लोगों ने जो है उत्साह के साथ इस फॉर्म को भरा था और इसके लिए प्रेजेंट भी थे। जी हाँ दोस्तों, औसतन अगर देखा जाता है कि अगर 100 लोग फॉर्म भरते हैं तो मुश्किल से उसमें से 70 या 80 लोग ही जो है एग्ज़ाम के लिए आते हैं, बाकी 20% तो लगभग एग्ज़ाम में बैठते ही नहीं। बट यहाँ पर ऐसा ज़्यादा देखने को नहीं मिला था। DRDO CEPTAM एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में काफ़ी लोग ने जो है एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था और सभी लोग ऑलमोस्ट प्रेजेंट थे दोस्तों। और यहाँ पर देखो महिलाओं ने, यानी कि अगर देखा जाए स्त्रियों ने भी काफ़ी जो है बड़ी मात्रा में इसमें एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था। तो इसलिए दोस्तों जो औसत जो कटऑफ जा रही है, और ऊपर से देखा जाए तो एग्ज़ाम जो है इजी मॉडरेट में था, काफ़ी लोग ने कहा था, उस हिसाब से जो कटऑफ जा रही है आपकी जर्नल की, वो जा रही है आपकी 115 से लेके 120 के आसपास में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके नंबर इतने आसपास में आ रहे हैं तो आप आसानी के साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, इसमें आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन 115 से 120 के बीच में जो ऐसी कटऑफ रहने वाली है। अब बात करते हैं हम OBC की, तो OBC कटअप भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि कटअप जो है इतनी लो नहीं जाएगी इस, क्योंकि यहाँ पे जो है कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और जब आपको पता है किसी पोस्ट के लिए जब संख्या ज़्यादा हो जाती है तो कटअप ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जस्ट बिकॉज कि काफ़ी लोग जो है इसे पार्टिसिपेट करने लगते हैं और काफ़ी वेल एजुकेटेड होते हैं जो लंबे समय से तैयारी करते रहते हैं। तो OBC कटअप अगर यहाँ पर देखें तो आपको 110 नंबर, जी हाँ दोस्तों, 110 से 112 के बीच में कटअप यहाँ पर रहने वाली है OBC की। अगर OBC से आप बिलोंग करते हैं और आपने फॉर्म जो है CEPTAM एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वाला जो आपने भरा है वो OBC से भरा है, तो आपको 110 से 112 के बीच में आपके नंबर होने चाहिए, तभी जाके कहीं आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, 110 112 के आसपास में ही आपका जो है कटऑफ जाने वाली है OBC की। अब बात करते हैं SC की। जी हाँ दोस्तों, शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट का जो कटऑफ जाने वाला है वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल ओवरऑल जो कटऑफ दी जा बताई जा रही है वो आपकी बताई जा रही है, जी हाँ दोस्तों, 110। अगर 110 नंबर के आसपास में अगर आपका कट ऑफ आ रहा है, वो भी आपने SC से फॉर्म भरा है, तो आसानी के साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट दोस्तों, आप इसमें एक दो नंबर ऊपर नीचे करके रख सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड है, यानी कि ये श्योर 100% नहीं है दोस्तों। तो कुछ लोगों का अगर 105 से 106 नंबर भी आ रहे, आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमारा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, कट ऑफ है दोस्तों एक्सपेक्टेड है, एक दो नंबर ऊपर नीचे जाता है। तो यहाँ पे जो औसत जो मैक्सिमम बताया जाता है कट ऑफ, ताकि आप लोगों के अंदर की होप बनी रहे, तो यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ नहीं है, ये SC की जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैक्स टू मैक्स कट ऑफ जो जाने की संख्या है वो है 110। अब बात करते हैं ST की। जी हाँ दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पे कटऑफ जो है ऑलमोस्ट जो है ज़्यादा नहीं जा रही है। अगर 150 नंबर का आपका पेपर, आपको पता है सारी कटऑफ्स मैं 150 में ही बता रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कटऑफ जो जाने की जो एक्सपेक्टेड जो जा रही है, क्योंकि काफ़ी लोग ने जो कमेंट्स किया, कमेंट्स के बाद जो हमने रिपोर्ट एनालिसिस किया, समय लगता है दोस्तों कभी भी रिपोर्ट्स बनाने में, क्योंकि काफ़ी लोग के कमेंट्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं, कभी 1000, 2000, 1500 कमेंट्स को एक साथ पढ़ना आसान नहीं होता, इसको जितना एनालिसिस करते उसके बाद ही कटऑफ बन पाती है। उस हिसाब से अगर देखा जाए जो टोटल हमारे पास डेटा कलेक्ट हुए उसके हिसाब से 102 नंबर के आसपास जो है इसका दिखाया जा रहा है यहाँ पे, कि 102 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं और आपने ST में फॉर्म भरा है तो आप यहाँ पे आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। काफ़ी लोग जो है इसके बारे में परेशान हैं कि सर कितनी कटऑफ जा सकती है। EWS पर बात करते तो EWS में भी आजकल कटऑफ जो है काफ़ी अच्छी खासी मानी जा रही है, क्योंकि EWS में आपको पता है कि जनरल से ही जो है यहाँ पे से लिया गया है, तो EWS में जो कटऑफ जा रही है वो
114 नंबर। जी हाँ दोस्तों, 114 के आसपास में यहाँ पे कट ऑफ आपकी जो है ईडब्ल्यूएस की जाने वाली है। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल कट ऑफ जो आपका जो है डीआरडीओ सीपीटीएम 09 एएनएन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का था। ये इसका ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों अगर चैनल में पहली बार विजिट करते हैं तो स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।